सवाल नंबर 19 देखिए, कहता है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है, यदि शीर्षलंब आधार से 7 मात्रक अधिक हो तो उसका आधार तथा शीर्षलंब निर्धारित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी। आपका 90 डिग्री का है तो इसका सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, है लंब बोलिए या शीर्षलंब बोलिए, और ये भुजा आपका आधार हो जाएगा। कह रहा है कि आधार और शीर्षलंब है निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो कितना है ये तो मुझे मालूम नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी का आधार, आधार क्या है तो बीसी है, यानी कि बीसी बराबर एक्स मात्रक। देखिए मात्रक में दिया हुआ है तो हम मात्रक मान लेंगे, यानी कि ये भुजा जो है एक्स मात्रक है। तो शीर्षलंब क्या होगा, यहाँ देखिए शीर्ष लंब बराबर ये जो होगा एक्स प्लस 7 मात्रक हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ देखिए यदि शीर्षलंब, शीर्षलंब जो है आधार से 7 मात्रक अधिक है, यानी इससे ई 7 मात्रक ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या किए 7 जोड़ दिए। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 वर्ग मात्रक। यहाँ लिखिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 30। ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है, और इतना बराबर आपको दिया हुआ है 30। यहाँ देखिए 1/2 गुना आधार, आधार हम माने हैं एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या है एक्स प्लस 7 है, इतना बराबर है 30। देखिए ये 2 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 30, में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। एक्स में एक से गुना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 7 से गुना करेंगे 7 एक्स, 60 को लेकर ये इधर तो माइनस में हो जाएगा 60, इतना बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, ये बीच वाला पद है 7 एक्स और माइनस 60 एक्स स्क्वायर, ये है 2 बीजीय व्यंजक हम लेंगे जिसको जोड़ने पर इतना हो जाए और गुना करने पर इतना हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए 12x माइनस 5x, अगर इसमें इसको जोड़ते हैं तो 7x हो जाएगा, और इसमें इसे गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में x कॉमन है तो x को हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस इसमें बचा 12, माइनस है दोनों में तो माइनस, दोनों में 5 है तो 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 12, इतना बराबर 0। एक्स प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होगा माइनस 12, इसमें देखिए एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस 5, तो एक्स का 2 मान निकल कर रहा है, एक माइनस 12 और एक्स का मान निकाया 5। यहाँ हमें लंबाई निकालना है, तो लंबाई कभी माइनस में नहीं होता है, ये क्या है असंभव है, तो संभव ये होगा, तो यहाँ लिखेगा कि अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार, आधार क्या है बी सी, और बी सी बराबर हम माने हैं एक्स मात्रक, यानी कि 5 मात्रक। ठीक है, एक्स का मान आया है 5, तो 5 मात्रक हो जाएगा, तथा शीर्षलंब, शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या माने हैं, तो शीर्षलंब माने हैं हम ए बी को, ए बी, यहाँ देखिए
ये कितना है, x प्लस सात, ठीक है, इतना मात्रक है। यहाँ सिरसलम को लिख दीजिएगा कि ए बी बराबर इतना है, तो सिरसलम बराबर हम माने हैं x प्लस सात, तो x के जगह पर है पाँच और प्लस सात, तो पाँच सात बारह मात्रक, तो आधार भी निकल गया और सिरसलम भी निकल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और उसके तीन भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, तो आयत के विस्तार ज्ञात करें। ये प्रश्न क्या कह रहा है, पहले हम एक एग्जांपल देकर आपको हम समझाते हैं। देखिए आयत, तो ये आपका आयत है, आयत में क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है। अगर ये लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अगर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये आयत का खासियत है या गुण बोलिए, ठीक है। अगर लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत के विस्तार ज्ञात करें, विस्तार क्या होता है, तो देखिए ये क्या है, ये विस्तार है यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है, जितना दूर में आयत फैला हुआ है इसी को कहते हैं विस्तार। तो यहाँ देखिए आयत का विस्तार क्या हो जाएगा, तो ये लंबाई है से और चौड़ाई है से, ये दोनों में गुना कर देंगे तो विस्तार निकल जाएगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो आयत का विस्तार बोलिए या क्षेत्रफल बोलिए, दोनों एक है, ठीक है। तो वही प्रश्न में कह रहा है कि आयत के विस्तार ज्ञात करें, तो आयत के विस्तार ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आयत की लंबाई पता होना चाहिए और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो इसमें तो दिया हुआ नहीं है कि आयत की लंबाई क्या है और चौड़ाई क्या है, इसमें क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 100। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इतना बराबर दिया हुआ है 100, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई है एक्स, ठीक है, इतना मीटर, तो चौड़ाई क्या होगी, तो देखिए लंबाई जो है इधर आके बटा में हो जाएगा यानी कि 100 बटा एक्स चौड़ाई बराबर, ठीक है। अगर हम लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई कितना होगा, 100 बटा x, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई 100 है, तो लंबाई इधर आके बटा में हो जाएगा तो चौड़ाई हो जाएगा 100 बटा x, तो यही हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल, माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई बराबर x मीटर, मीटर हम माने क्योंकि प्रश्न में मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो x मीटर, तो चौड़ाई क्या होगी, देखिए 100 बटा x, इतना मीटर जो है, इतना मीटर चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 100, क्षेत्रफल 100 है, इसका मतलब है कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 100 है, तो लंबाई को हम मान लिए x, तो x गुना चौड़ाई बराबर 100, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 100, और गुना में है तो इधर आके बटा में हो गया, इसीलिए हम लिखे हैं 100 बटा x, इतना मीटर, ठीक है। तो आयत का विस्तार बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए पहले हम एक आयत बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। हम लंबाई माने हैं एक्स मीटर, यहाँ देखिए मीटर है तो हिंदी में लिखते हैं मीटर, तो ये लंबाई एक्स मीटर है तो ये भी आपका हो जाएगा एक्स मीटर, चौड़ाई है 100 बटा एक्स मीटर, तो ये भी चौड़ाई आपका हो जाएगा 100 बटा एक्स मीटर, हम लिख लिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है यहाँ देखिए उसकी तीन भुजाओं का योगफल 30 मीटर है, तीन भुजा, तो एक दो तीन, आप ये तीनों भुजा को जोड़ के और बराबर लिख दीजिए 30, या फिर आप इसको 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 भी जोड़ सकते हैं, कोई भी आप तीन भुजा को जोड़ दीजिए और उतना बराबर लिखिए 30, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं ए डी
प्लस ए बी प्लस बी सी। देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये तीनों भुजा को हम जोड़ दिए तो इतना बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। तो देखिए ए डी, ए डी क्या है 100 बटा एक्स, यहाँ लिखेंगे 100 बटा एक्स प्लस ए बी, ए बी है एक्स मीटर प्लस बी सी, तो 100 बटा एक्स बराबर 30। देखिए 100 बटा एक्स और 100 बटा एक्स दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 बटा एक्स प्लस 100 बराबर 30। इसके नीचे एक है तो एक्स और एक, इसका एलसीएम होगा एक्स, तो एक्स में एक्स से भाग देंगे एक बार में कट जाएगा, और 200 में फिर एक से गुना करेंगे 200 प्लस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 30। ये इसके साथ गुना हो जाएगा, इसके नीचे एक है तो एक इसके साथ गुना होगा तो 200 एक्स स्क्वायर बराबर 30 एक्स। इसको इधर लिखाइए, देखिए इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 200, ठीक है, और इसको इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 30 एक्स बराबर, इधर क्या बचा 0। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स को यहाँ लिखिए प्लस 200 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो बीच वाला पद है माइनस 30 एक्स और देखिए 200 एक्स स्क्वायर, तो हम ऐसा दो बीजीय व्यंजक लेंगे जिसको जोड़ने पर इतना हो जाए, गुना करने पर इतना हो जाए। तो यहाँ देखिए माइनस 20 एक्स और माइनस 10 एक्स, अगर ये हम दोनों को जोड़ते हैं तो इतना हो जाएगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 200 बराबर 0। ये दोनों में x कॉमन है तो इसमें बचेगा x माइनस 20 माइनस, ये दोनों में कॉमन है 10 तो इसमें बचेगा x माइनस 20 इतना बराबर 0। x माइनस 20 को हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x माइनस 10 बराबर 0, तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 20 हो जाएगा। यहाँ देखिए x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10। देखिए यहाँ पे x का दो मान आया है, ठीक है। केस वन, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई बराबर हम माने हैं x मीटर, तो x का जगह पर रखेंगे 20, ठीक है, तो 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर माने हैं क्या, तो 100 बटा x, इतना मीटर माने हैं तो 100 बटा x, x की जगह पर 20, तो 20 बचे 100 यानी कि 5 मीटर, तो आयत का विस्तार बराबर 20 मीटर गुना 5 मीटर, ये पहला जो मान है इसके अनुसार हुआ। अब यहाँ देखिए नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। केस टू, जगह नहीं इसलिए ऐसा लिखा रहा है। देखिए लंबाई क्या हो जाएगा आयत की, तो x माने हैं तो x का मान है 10 यानी 10 मीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगा तो 100 बटा x है यानी कि 100 और बटा में 10, तो 10 दहें का 100, तो चौड़ाई हो गया आपका 10 मीटर, तो आयत का विस्तार क्या हो जाएगा, आयत का विस्तार बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 10 मीटर गुना 10 मीटर। अब सवाल नंबर देखिए दूसरा, 20 नंबर क्वेश्चन का सवाल नंबर दो, क्या 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, यदि हाँ तो बगिया की परिमिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम एक आयताकार बगिया बनाते हैं, ये आयताकार बगिया है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो हम चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की ही दुगनी है। तो हम मान लीजिए कि माना आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर,
तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इतना। अब चलिए प्रश्न से अब प्रश्न को देखिए, क्या 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है, यानी कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर। यहाँ देखिए आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर है 800, तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल हम क्या लाए हैं 2x स्क्वायर, इतना बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए 2 से कट जाएगा 400 बार में, यानी कि 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल होता है, तो 400 का वर्गमूल प्लस माइनस, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 20। 400 का वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। तो देखिए x का दो मान आया, एक 20 आया और दूसरा का जो आया माइनस 20 आया। तो यहाँ देखिए चूँकि लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, इसलिए x बराबर क्या होगा 20 होगा, माइनस 20 नहीं होगा, ये क्या है असंभव है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x का मान कितना आया 20, तो हम यहाँ लिखेंगे कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर हम माने हैं x मीटर, और x का मान आया है कितना 20, यानी कि 20 मीटर, और लंबाई निकालिए आयताकार बगिया की लंबाई हम माने हैं 2x यानी कि 2 × 20 बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में पूछ रहा था कि क्या 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है, तो हाँ यहाँ लिखेगा कि हाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि उसी क्षेत्रफल का हम लंबाई निकाले हैं तो आया है 40 मीटर और चौड़ाई आया है 20 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बनाया जा सकता है, तो हाँ आंसर हो गया। तो कह रहा प्रश्न में कि अगर हाँ है तो फिर इस बगिया की परिमिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए परिमिति क्या होती है इसे समझिए, ये आयताकार बगिया है, इसका नाम हम दिए थे ए बी सी डी, तो लंबाई कितना आया है 40 मीटर, तो ई भी हो जाएगा 40 मीटर, और चौड़ाई है 20 मीटर, तो ई भी आपका हो जाएगा 20 मीटर। परिमिति कहने का मतलब है कि जो आयताकार ये जो आप देख रहे हैं किनारा देख रहे हैं, ये चारों किनारों की जो कुल लंबाई होती है यही परिमिति होती है, यानी अगर हम सबको जोड़ देंगे तो इस आयताकार बगिया के परिमिति निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आयताकार बगिया की परिमिति बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक है। यहाँ आयताकार बगिया यहाँ लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी की परिमिति बराबर इतना होगा, ए बी क्या है 40 है, बी सी है 20, सी डी है 40 और ए डी है 20, तो 40 20 60, 60 और 40 100 और 100 20 120, यानी कि 120 मीटर यह आयताकार बगिया की परिमिति होगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।